हेलो क्यूटी पाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज से मैं आप लोगों को बुलाऊंगी क्यूटी पाइज, बिकॉज आप लोग बहुत ज़्यादा क्यूट हो। आप लोगों को मालूम है मेरी 2K फैमिली कंप्लीट हो गई है और हमारी फैमिली बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। मेरी मेहनत ने और आपके सपोर्ट ने आज हमारी 2K फैमिली कंप्लीट कर दी है। थैंक यू सो मच। आप लोगों के सपोर्ट के बगैर ये सब कुछ तो हो ही ना पाता। और जो मेरे पेरेंट्स हैं और मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, तो उनको भी मेरे तरफ से बड़ा वाला थैंक यू एंड मेरे तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार। एंड यहाँ आज मैं जा रही हूँ फिनिक्स प्लासियो, तो मैंने यहाँ सिक्योरिटी चेकिंग करवाई, एंटर करा और मैंने देखा तो यहाँ सब कुछ पिंकिश हो रहा था एंड फ्लैमिंगो भी वहाँ बने हुए थे। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, सीज़न के हिसाब से फिनिक्स प्लासियो में थीम्स चेंज होती रहती हैं, तो आज थी फ्लैमिंगो पिंक थीम। तो मैंने वहाँ पर बहुत सारी फोटोज़ क्लिक करवाई, एस्केलेटर पर चढ़ी एंड एस्केलेटर से पहुँच गई ऊपर वाले फ्लोर पर। फ्लोर पे पहुँचते ही मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारे डिस्काउंट चल रहे थे, ऑफर्स भी थे, बाय वन गेट वन भी था। तो मैंने यहाँ से शॉपिंग कर ली। शॉपिंग करने के बाद मैंने यहाँ पे बहुत सारे स्टोर थे वो भी एक्सप्लोर करे। देन मैंने बताया क्या देखा, ट्री हाउस। मेरी तो ड्रीम जैसे पूरी हो गई, सोचा था फेरीलैंड कैसा होता होगा और आज रियल लाइफ में देख भी लिया। तो मम्मी से कहा, मम्मी प्लीज़ मुझे अंदर जाना है एंड मुझे एक्सप्लोर करना है कि अंदर क्या क्या है। तो मेरी मम्मी ने कहा अच्छा रुको। तो मम्मी ने डाउनलोड करा फिनिक्स प्लासियो इनहेंस ऐप एंड देन उन्होंने हमें एक कोड दिया, हमने उसे स्कैन करा एंड हमने एंटर कर लिया। एंटर करने के बाद मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, तो मैंने सोप मेकिंग एक्टिविटी चूज़ करी। यहाँ पे वो हमें गाइड कर रहे थे और बहुत अच्छे तरीके से इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे थे। तो मेरे ब्रदर ने चूज़ करी थी पोल्ट्री मेकिंग, तो यहाँ पे ये पोल्ट्री बना रहा है। इसको तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, लेकिन आप लोग चलो थोड़ी सी तो क्लिप्स देख ही लो कि इसने किस तरीके से बनाया है। मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों को। फ्रेंड्स, आप लोग तो बोर हो गए होगे इसको देखते देखते एंड मेरे ब्रदर को तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो एक काम करो, मैं आप लोगों को और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं वो दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे गेम्स थे, लेकिन उसके लिए आपको कार्ड बनवाना पड़ेगा। तो कार्ड के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो मेरे फिनिक्स क्लासियों के फर्स्ट जो मैंने ब्लॉग बनाया था उसमें जाके देख सकते हो, जो कि मेरे चैनल पर अवेलेबल है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर यहाँ की बहुत अच्छी डेकोरेशन थी, अगर मुझसे कोई कहता ना कि डेकोरेशन को रेटिंग दो तो मैं 10 out of 10 देती। भले ही रश था लेकिन एक्टिविटीज़ भी बहुत अच्छी थी एंड डेकोरेशन तो बहुत ही अच्छी हुई थी। मेरे ड्रीम जैसे लग रहा था ट्रू हो गया। मैं सोचती थी कि फेरीलैंड कैसा होता होगा, आज मैंने देख भी लिया। एंड यहाँ पे मैं बता दूँ, जो एक्टिविटीज़ थी वो एज वाइज और क्लास वाइज थी। देखो, फिफ्थ क्लास या टीनेजर्स के लिए थी जो एक्टिविटीज़, उनमें से सोप मेकिंग थी वो एक्टिविटी। एंड UKG LKG के लिए थी पोल्ट्री मेकिंग एंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ के लिए थी बेकिंग एक्टिविटी थी। और आई थिंक मुझे बेकिंग एक्टिविटी ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि बेकिंग एक्टिविटी में आप अपने तरीके से कपकेक वगैरह को सजा सकते थे, डेकोरेट कर सकते थे। बट मैं तो फिफ्थ में थी तो मैं नहीं कर सकती थी। एंड यहाँ पे ये गेम था, तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ, मैं भी यहाँ पे कुछ क्यूट सा ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने हार्ड ड्रॉ करा है जो कि आप लोगों के लिए है। यहाँ पे स्लाइड भी थी, लेकिन वो टीनेजर्स को अलाउ नहीं करी जा रही थी, वो किड्स को अलाउ करी जा रही थी। लेकिन फिर भी मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया। एंड यहाँ पे एक छोटा सा रूम टाइप का था जिसमें पजल्स वगैरह थे, तो आप लोग जाओ और खेल सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से पैकिंग करके दे रहे थे। मैंने भी पूछा मेरा सोप क्या ड्राई हो गया, तो उन्होंने कहा नहीं, थोड़ा सा गीगली, आप थोड़ी देर बाद आके ले लेना। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने सोप लिया अपना और अब मैं जा रही हूँ घर। और लुलू मॉल का भी ब्लॉग आएगा, लेकिन सेकेंड पार्ट में। सो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।